गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। टुडे रीड अबाउट चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि आपका जो 20 डेट से आपका फर्स्ट टेस्ट स्टार्ट है, इसमें आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड आएंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर वन है वो क्या है आपका, दिस इज़ मी, यानी मैं हूँ। अपने बारे में आपको बताना है, जैसे कि मैंने इस चैप्टर को स्टडी करवाते हुए आपको बताया था कि हम अपने आप में स्पेशल है, हमारी अलग अलग मतलब डिफरेंट लाइक्स होती हैं, डिफरेंट ही डिसलाइक्स होती हैं, हमारे डिफरेंट फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो इस चैप्टर में राइट किया हुआ कि यू आर लुक डिफरेंट, कि हम सब डिफरेंट दिखाई देते हैं। वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, हम एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। लुक डिफरेंट, डिफरेंट दिखाई देते हैं। स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, हमारी जो लैंग्वेज होती है वो डिफरेंट होती है। और डिफरेंट नेम्स होते हैं, सर नेम्स होते हैं, यानी मीन्स यही है कि हम अपने आप में स्पेशल होते हैं। ठीक है, ऐसा हमने इस चैप्टर में स्टडी किया था, तो आपको ये लर्न करना है। इसके बाद में लेट्स से वन में आवर सेल्फ के बारे में है, ये भी आपको करना है। इसके बाद में ये आपकी फेवरेट थिंग्स और ये एक्टिविटीज़ हैं। और लेट्स ट्राई फोर, इसमें भी कुछ राजन और राहुल के बारे में स्टोरी थी, उसके बारे में स्टडी करवाया मैंने आपको। और आपको बताया था कि जैसे राजन ने राहुल की पेंसिल ब्लॉक कर दी, तो राहुल गॉट वेरी एंग्री, राहुल एंग्री हो गया और वो स्टार्टिंग फाइट विद हिम, उससे क्या करने लग गया, फाइटिंग यानी लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया। क्या ऐसा करना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको एक बार फिर से रीड करना आप, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। ओके, इसके आफ्टर ये जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें भी आपके अपने बारे में ही है, माई नेम, माई एज, आई एम ए, क्लास, स्कूल का नेम, टीचर्स नेम, कॉलोनी नेम, ये सब आपको क्या करने हैं, वंस अगेन फिर से रिपीट करने हैं। आपको 2 डेज का टाइम दिया गया है, जैसे संडे है आपका, तो उसको आपको लर्न करना है। ठीक है, इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 2 है माई फैमिली। माई फैमिली में भी आपके बहुत सारे, जिसमें माई फैमिली में जैसे ये फैमिली है, ये पूजा की फैमिली है, इसमें नेम्स हमें लर्न होने चाहिए, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मदर, फादर, ब्रदर, फैमिली, फैमिली की डेफिनेशन हमें लर्न होनी चाहिए कि फैमिली क्या होती है। मैंने आपको इसको बार बार रिपीट कर के अंडरस्टूड करवाया था, पीपल वू आर रिलेटेड टू अस आर आवर फैमिली, जो लोग हमारी फैमिली से रिलेटेड होते हैं वही हमारी फैमिली होती है। ठीक है, जैसे मदर है, फादर है, ग्रैंड पेरेंट्स है, ब्रदर है एंड सिस्टर्स, ऑल आवर पार्ट्स ऑफ आवर फैमिली, ये सब हमारी फैमिली के पार्ट्स होते हैं। ओके, तो ये आपको स्पेशली लर्न करना है। इसके बाद में मेंबर ऑफ आवर फैमिली, हमारी फैमिली के मेंबर कौन कौन से होते हैं, और पेरेंट्स किसको कहते हैं, सिबलिंग कौन होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स कौन होते हैं। ठीक है, इसके बाद में अंकल आंट कौन होते हैं, इसके बारे में आपको रीडिंग करना है, अंडरस्टूड करना है, और ये डेफिनेशन भी आपको लर्न करनी है। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स कौन होते हैं, आवर फादर्स पेरेंट्स आर आवर ग्रैंड पेरेंट्स, और आवर मदर्स पेरेंट्स आर आवर आल्सो आवर ग्रैंड पेरेंट्स, जो फादर के पेरेंट्स होते हैं उनको ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं, और जो मदर के पेरेंट्स होते हैं उनको भी ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं। ठीक है, इसके आफ्टर हैव पेट एनिमल्स इन आवर होम, मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली, जो पेट एनिमल होते हैं वो भी हमारी फैमिली के मेम्बर होते हैं। और सम पीपल कम आउट हाउस वर्क, एक हाउस में वर्क करने जो आती हैं वो, उनको हम दीदी और भैया कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हमें लर्न करना है। ठीक है, इसके आफ्टर इधर देखिए, ये जैसे टिक द करेक्ट ऑप्शन, तो ये भी आपको लर्न करने हैं। What are the members of our family called? ये भी करने हैं आपको। Our father and mother, father और mother होते हैं उनको क्या कहते हैं, parents कहते हैं। Your father's
फादर, आपके जो फादर के फादर हैं उनको क्या कहेंगे? ग्रैंड फादर. योर अंकल एंड आंट चिल्ड्रन उनको क्या कहेंगे? कजिन. टाइप्स ऑफ फैमिली, फैमिली कितने टाइप की होती है? स्मॉल एंड बिग फैमिली के बारे में मैंने अंडरस्टूड करवाया था, उसकी डेफिनेशन भी आपको लर्न करनी है. ए फैमिली इन विच चिल्ड्रन लिव विथ देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड ए स्मॉल फैमिली. ठीक है. इसके आफ्टर बिग फैमिली क्या होती है? बिग फैमिली ए फैमिली इन विच चिल्ड्रन लिव विथ देयर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल एंड आंट्स एंड कजिन्स इन कॉल्ड ए बिग फैमिली. ठीक है. और ये करेक्ट आंसर ये भी आपको अच्छे से देखना है और लर्न करना है. इसके आफ्टर क्वेश्चन नंबर बी, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें करेक्ट वर्ड दिए हुए हैं ये भी देखना है. लिविंग इन ए फैमिली, हम फैमिली में किसे कैसे रखना, कैसे रहना चाहिए हमें. फैमिली मेम्बर्स केयर फॉर वन अनदर, फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो एक दूसरे की केयर करते हैं, बर्थडे एक साथ मनाते हैं, और ईच अदर इन मैनी वेज वे एक दूसरे की हेल्प करते हैं. ठीक है. ये सब मैंने आपको जब चैप्टर रीड करवाया था तब आपको अंडरस्टूड करवाए थे और आपका रिविजन असाइनमेंट भी लिया था. ठीक है. अब आपके फर्स्ट टेस्ट है, मैं आपको बताती हूँ आपके किस तरह से क्वेश्चन आएंगे. पहले हम इधर देखते हैं, ये भी हमने रीड किया था. इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, एट नाइट. इसके आफ्टर जैसे ये है, लेट्स ट्राई फूड. वो कुक द फूड, खाना कौन बनाता है? मदर. ये सब मैंने फील करवाए थे आपको, ये सब आपको लर्न होने चाहिए. राइट डाउन टू थिंग्स योर पेरेंट्स फॉर डू फॉर यू, ये भी आपको लर्न होने चाहिए. ठीक है. ये आपको लर्न होने चाहिए. ये देखिए न्यू वर्ड्स, ये भी मैंने आपको नोटबुक में राइट करने के लिए कहा था और लर्न करने के लिए कहा था. इनमें से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं. अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे. ठीक है. आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे. जैसे देखो ये नोटबुक में टू क्वेश्चन राइट किए हुए हैं. ठीक है. इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको राइट लगाना है. ओके. ओनली आपको राइट लगाना है. जो राइट आंसर है उसका यहाँ आपको जो स्पेस बना हुआ है, यहाँ ए राइट है तो ए लिखना है और बी राइट है तो बी राइट करना है. इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे. ठीक है. ऑनलाइन टेस्ट होएगा आपका. जैसे वन नंबर क्वेश्चन है, राजन ब्रॉक राहुल्स पेंसिल. राजन ने राहुल की पेंसिल तोड़ दी. तो राहुल सेज, राहुल को कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? थैंक यू या सॉरी? क्या कहना चाहिए राहुल को? थैंक यू कहना चाहिए या सॉरी? सॉरी कहना चाहिए. तो इसमें बी वाला राइट है तो हम यहाँ क्या फील करेंगे? बी. ठीक है. इस तरह से आपको यहाँ जैसे बी राइट किया है तो आपको ऐसे राइट करना है. जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर अंकल एंड आंट्स चिल्ड्रन आर आवर. हमारे अंकल और आंट के चिल्ड्रन है वे क्या लगते हैं हमारे? कजिन या सिबलिंग? कौन सा राइट है इसमें? ए वाला. तो यहाँ हम क्या फील करेंगे? ए. इस तरह से आपके क्वेश्चंस आएंगे. ये एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताए हैं. इस तरह से आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे चैप्टर फर्स्ट और सेकंड में. आपको केवल इसमें फील करना है. ओके. तो आप अच्छे से लर्न कीजिए. बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स. थैंक यू.